आप जब भी कुछ ऐसे सिस्टम को डील करते हो जो वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, तो आपको हमेशा लॉग लेना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वैसा ही सिस्टम है, वाई इज़ ए वेरिएबल एंड एक्स इज़ ए वेरिएबल, दोनों ही वेरिएबल है और वेरिएबल की पावर वेरिएबल है। तो इस क्वेश्चन को डील करने का तरीका क्या है, टेकिंग बोथ साइड लॉग, लॉग लेके आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, क्योंकि आपके लिए स्टैंडर्ड। यहाँ पे कुछ लोग क्या सोचते हैं कि x की पावर n का फॉर्मूला लगा दे, मतलब x y की पावर x माइनस वन, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि वो फॉर्मूला वेरिएबल की पावर कांस्टेंट के लिए है, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा कि गलत फॉर्मूला गलत जगह सही, मतलब किसी गलत जगह पे लगाएंगे तो आप आंसर तक कभी पहुंच नहीं पाएंगे। तो आपको सिस्टम रिकॉग्नाइज करने आना चाहिए। तो यहाँ पर आपको क्या करोगे, टेकिंग बोथ साइड लॉग, टेकिंग बोथ साइड लॉग क्या हो जाएगा आपका, log ऑफ y की पावर x, दैट इज इक्वल टू log ऑफ x की पावर y, पावर पीछे आ जाएगी, x log y, दैट इज इक्वल टू y log x। अब इसी स्टेज पे डिफ्रेंशिएट कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, d by dx ऑफ x log y, दैट इज इक्वल टू d by dx ऑफ y log x, प्रोडक्ट लग जाएगा यहाँ पे, क्योंकि दो फंक्शंस हैं x और log y, दीज आर द टू फंक्शंस। तो यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट d by dx of log of y n plus log of y d by dx of x, that is equals to first d by dx of log of x प्लस लॉग ऑफ एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, ठीक। अब देखिए यहाँ जो लॉग है ये वाई का फंक्शन है और ऑपरेटर एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना चाहता है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, चेन, मतलब यहाँ पे एक तरह से चेन रूल लगा लोगे, डी बाई डी वाई और डी वाई बाई डी एक्स कर लोगे, तो दैट इज एक्स डी बाई ऑफ डी वाई लॉग ऑफ वाई एंड dy by dx प्लस ये हो जाएगा log of y और dy by dx of x 1 होता है इंटू 1, दैट इज इक्वल्स टू y और log x का डिफ्रेंशिएशन 1 by x होता है, प्लस ये हो जाएगा आपका log of x और dy by dx। अब देखिए यहाँ पे, ठीक है, इस स्टेप में आप log y का डिफरेंशिएशन आपका कितना हो गया, 1 बाई वाई हो गया एंड dy वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग ऑफ y, दैट इज इक्वल्स टू y बाई एक्स एंड प्लस लॉग ऑफ x dy वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स पार्सली इस साइड में पड़ा हुआ है, पार्सली इस साइड में पड़ा हुआ है, तो हम लोग कोफिशियंट कलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से x बाई वाई आएगा और यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कोफिशिएंट माइनस लॉग एक्स आएगा, माइनस लॉग ऑफ x, और इस साइड में y बाई एक्स माइनस लॉग ऑफ y हो जाएगा। एलसीएम ले लीजिए आप, है ना, तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा x माइनस y लॉग x अपॉन y डी वाई, अच्छा यहाँ डी वाई बाई डी एक्स छूट गया, डी वाई बाई डी एक्स और कोफिशिएंट कलेक्ट कर रहे थे, डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका y माइनस एक्स लॉग ऑफ y ओवर x। तो यहाँ से आपका dy बाई डी एक्स दैट कम्स आउट टू बी, y ऊपर जाएगा और x तो नीचे था ही, तो y बाई एक्स लिख दिया हमने। अच्छा, ये न्यूमरेटर था आपका y माइनस एक्स लॉग y, ठीक है, और ये आपका डिनोमिनेटर बन जाएगा, तो इट बिकम x माइनस y लॉग x। तो सिंपल है, ठीक है, आंसर का फॉर्मेट चेक कर लीजिएगा कि आंसर में आपका ये भी हो सकता है कि ऊपर से माइनस कॉमन कर ले और नीचे से माइनस कॉमन कर ले, मतलब सेकेंड वर्जन हो सकता है आपके आंसर शीट में या जहाँ भी आंसर दिया गया है आपका, ये भी हो सकता है यहाँ से माइनस कॉमन कर ले, तो जो प्लस है मतलब वाई प्लस है ये निगेटिव हो जाएगा और जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, तो एक माइनस कॉमन हो जाएगा और आपका हो जाएगा एक्स लॉग वाई और माइनस y। सिमिलरली आप नीचे से माइनस कॉमन कर लीजिए, तो माइनस का x और क्या हो जाएगा, x ये हो जाएगा y log x माइनस y log
एक्स माइनस एक्स, ठीक है, और बाद में ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर आपका हो सकता है कि ऊपर वाला दिया हो या नीचे वाला दिया हो, ये भी आंसर हो सकता है आपकी बुक में और ये भी आंसर हो सकता है, ठीक है। तो जो भी है आपके पास आंसर वो आप देख लीजिए।